दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे शाही लौकी। लौकी की सब्जी तो हर घर में बनती है, लेकिन इस तरीके से अगर लौकी को बनाया जाए तो हर किसी को पसंद आती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन किया, गैस पे चढ़ाया एक कुकर। कुकर हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा जो कि 1/2 टेबल स्पून है। जैसे ही हमारा जीरा चिटकने लगेगा मैं इसमें डाल दूंगी लौकी को, जिसको कि मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। साथ ही इसमें डाला नमक जो कि स्वादानुसार रहेगा, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग ना करें। कुकर को किया बंद, कुकर के ढक्कन को किया बंद और अब हम इसको फुल फ्लेम पे 2 सीटी होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा कुकर विसल दे रहा है तब तक इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए मैंने चढ़ाई एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और उसमें डाल दिया हींग जो कि हमारा 1/6 टेबल स्पून है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता। साथ ही डाला दालचीनी, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, कटे हुए प्याज, यहाँ पे मैंने 2 एवरेज साइज के प्याज को चॉप कर लिया था। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ लहसुन की कलियां। साथ ही डाला अदरक जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 2 लाल मिर्च और कुछ करी लीव्स। और इन सारी चीजों को एक बार हम फिर से सौते करेंगे। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। दोस्तों यहाँ पे 2 प्याज के साथ मैंने 2 टमाटर को चॉप किया था। अब मैं डालूंगी इस मसाले में नमक। दोस्तों नमक डाल देने से हमारा टमाटर जो है वो प्याज मैसी हो जाएगा। और इसको ढक दिया, ढक के एक बार हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस को मैंने कर दिया बिल्कुल लो। एक बार खोल के मसालों को हम चेक कर लेंगे। दोस्तों हमारे टोमेटो इसमें मैसी हो चुके हैं और साथ ही प्याज भी पक चुका है। तो मैं करूंगी गैस को बंद और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों इसको ब्लेंड करने से पहले मैं इसमें से दालचीनी और तेज पत्ते को निकाल लूंगी। दालचीनी ब्लेंड करने में हमारे जार में बहुत ही फंसेगा ये, इसको मैं साइड कर लूंगी। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इसको डाल दूंगी एक जार में। एक बार हम लौकी को खोल के चेक कर लेते हैं। दोस्तों लौकी भी हमारी पक चुकी है। थोड़ा सा इसको कलछे से मैश कर दें। 1/2 कप पानी डाल के मैंने किया इसका ढक्कन बंद और मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी एक फाइन पेस्ट में। मसाला हमारा पिस चुका है। दोस्तों ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का है। आगे के प्रोसेस के लिए फिर से चढ़ाई कढ़ाई। कढ़ाई में डाला कुकिंग ऑयल, चार बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ यूज किया और उसमें डाला तेज पत्ते। दोस्तों ये वही तेज पत्ते हैं जो मैंने मसाले में से निकाला था। और साथ ही दालचीनी डाल दिया और इनको हम हल्का सा भून लेंगे। अब मैं इसमें
इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर। फ्लेम हमारी लो रहेगी। साथ ही डाला हल्दी, जो कि यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। आधा चम्मच डाला गरम मसाला, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रखें, और इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। दोस्तों हमारे मसाले भून चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पेस्ट, जो हम लोगों ने प्याज का पेस्ट जो रेडी किया था मसालों को, उस पेस्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इन मसालों को 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे भून लिया है और अब हमारे मसाले बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं लौकी को इसमें ऐड कर दूंगी और अब हम लौकी को थोड़ा सा इन मसालों के बीच में पकने देंगे, जिससे कि लौकी हमारे इन मसालों के बीच में मिक्स हो जाए। शाही पनीर तो आपने बहुत खाया होगा, बट शाही लौकी को इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ज्यादा डिलीशियस बनती है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। दोस्तों सब्जी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने जिस जार में मसाला पीसा था उसी जार में पानी डाल के डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे जो मसाले जार में लगे रहते हैं वो इस सब्जी में आ जाएं। दोस्तों अभी हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है और मैं इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ। जब किनारों से सब्जी हमारी ऑयल तेल को छोड़ने लगे तो इट मीन्स सब्जी हमारी पक चली है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। दोस्तों इस तरीके से सब्जी को बनाए जाए तो शाही लौकी बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनती है, साथ में बहुत ही ज्यादा पसंद आती है हर किसी को। क्रीम को बिल्कुल हमें लास्ट में ऐड करना है, पहले ऐड करने पे क्रीम हमारी फट भी सकती है। दोस्तों इसमें क्रीम का ही प्रयोग करें, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। सब्जी हमारी अब रेडी है। तो मैंने किया गैस को बंद। ऐसी सब्जी आप मेहमानों के आने पे भी अब लौकी की सब्जी बना के खिला सकते हैं। शाही लौकी हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, साथ ही आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। तो आशा करती हूँ कि इसकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स। होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी।